أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم all of you good afternoon honorable faculty members and dear students जिस तरीके से प्रोफेसर सिद्दीकी साहब ने कहा कि मुझे इस यूनिवर्सिटी के साथ प्यार है बिल्कुल 100% इन्होंने सही कहा मुझे बहुत प्यार है इस यूनिवर्सिटी के साथ इस यूनिवर्सिटी की एम्बियंस के साथ जब इंसान यहाँ पे आता है तो इंसान का दिल जो है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि एम्बियंस का एक असर होता है ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे कोई माने या ना माने सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि यहां पे मुझे बुलाया गया एज गेस्ट स्पीकर मैं कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं हूं मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बात नहीं करूंगा मैं इसलिए यहां पे आया हूं कि यहां पे वो स्टूडेंट्स हैं जो एक ऐसी यूनिवर्सिटी में आए हैं जो प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है दीज आर द प्रोफेशनल कोर्सेज बीट बीएससी एग्रीकल्चर बीएससी हॉर्टिकल्चर बीवीएससी एमवीएससी एमएससी हॉर्टिकल्चर एमएससी एग्रीकल्चर द रिसर्च कोर्सेज so many other courses I don't know whether floriculture is here or not so many courses are there all are professional courses mera sabse pehle is cheez pe focus rahega ki aap jo yahan pe students aaye hain aapki ek clarity honi chahiye aapka vision bilkul clear hona chahiye ki aap kis university mein aaye hain jab tak ये क्लैरिटी आप में नहीं आएगी कि आप किस यूनिवर्सिटी में किस पर्पस से आए हैं तब तक शायद आप अपने मिशन में कामयाब नहीं होंगे क्या आप सबको पता है कि आप प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में आए हैं कोई प्रोफेशनल डिग्री हासिल करने के लिए और उस डिग्री से आपको क्या मिलने वाला है और वो डिग्री आप क्यों हासिल करते हैं क्या आपका ये क्लियर है विजन आप मुझे बताइए सबका तो फिर मुझे दुख क्यों है मुझे दुख इस बात का है कि यहां के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एमएससी एग्रीकल्चर किया है जिन्होंने एमएससी हॉर्टिकल्चर किया है जिन्होंने पीएचडी किया है वो क्लास फोर्थ पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं क्या ये विजन है क्या ये क्लैरिटी आपकी है इसके दो माने आप समझ सकते हैं आप अपने लिए ये समझ सकते हैं कि देखिए जी बिल्कुल डर्थ है पोस्ट्स की तो हमें पीएचडी स्कॉलर्स को क्लास फोर्थ पोस्ट के लिए जाना पड़ रहा है लेकिन मैं उसको दूसरे तरीके से सोचता हूं मैं यह सोचता हूं कि उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है मैं इसीलिए यहां पे आया हूं ताकि मैं आप में एक कॉन्फिडेंस इनबिल्ड करने की कोशिश कर सकूं वी कैन जो है ना वी कैन जब तक हमें नहीं आएगा हम किसी भी फील्ड में आगे नहीं पहुंच सकते हैं क्या हमारा विजन क्या हमारी जहन इतनी कमजोर हो गई है कि हम छोटा सोचते हैं यहां पे आप ही की एक कलीग रही होंगी यहां पे एक स्टूडेंट है जो इस वक्त कमर्शियल पायलट है तो इन्होंने नीचे से ऊपर का सोचा दैट्स व्हाई शी इज हियर अगर इन्होंने भी सोचा होता कि जो छोटे छोटे कोर्सेज करके अनफॉर्चुनेट बात मुझे यह लगता था कि काफी लोगों को मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी लेकिन मैं उसकी परवाह नहीं करता हूं मैं गुड़ी गुड़ी नहीं बोलता हूं मैं जो बोलता हूं बिल्कुल खुल के बोलता हूं आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे फोन किए बी का रिपोर्टर कहा कि यहां पे कुछ पोस्ट्स एडवर्टाइज किए गए हैं लेकिन उसमें बीएससी हॉर्टिकल्चर या एमएससी हॉर्टिकल्चर वाले या पीएचडी वाले इलिजिबल नहीं है वो छोटे छोटे कोर्सेज के लिए जो है उनकी इलिजिबिलिटी रख दी गई है क्या ये कॉन्फिडेंस है नहीं आप अपनी डिग्री को डिग्रेड कर रहे हैं इसको अपग्रेड करने की जरूरत है आपको यह सोचना है कि हम पीएचडी किए हुए हैं हमें ऊपर की मंजिल चाहिए ना कि नीचे जाना है तो जब मैं ये चीजें देखा आप में से बहुत सारे लोगों ने बैंक की क्लर्क की नौकरी के लिए अप्लाई किया मैं मानता हूं यहां पे बेरोजगारी है अलग अलग मजबूरियां हो सकती हैं बट वी कैन नॉट जनरलाइज दैट उसका मतलब है विजन क्लियर नहीं है देखिए मुझे नहीं पता कि किस तरीके के लोग यहां पे आते होंगे लेक्चर देने के लिए वो अपने तरीके से बोलते होंगे लेकिन मैं उस तरीके से बोलता हूं जो मैं फील करता हूं जो मैं ऑब्जर्व करता हूं जो मैं अंडरस्टैंडिंग जो मेरी है वो मैं यहां पे एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूं
मैं यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग सिखाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे आपको जर्नलिज्म सिखाने नहीं आया हूँ जिसमें मेरी महारत है, जिसमें मैंने पढ़ाई हासिल की है। मैं आपको सिर्फ यह बताने के लिए आया हूं कि आप परसेप्शन क्या होना चाहिए कामयाबी के लिए। जो मंजिल है वहां आप कैसे पहुंच सकते हैं? क्या आप सब मानते हैं कि आप प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में आए हैं? मानते हैं? क्या आपको लगता है कि आप कुछ जिंदगी में कर सकते हैं? तो फिर ये बेबसी क्यों, ये कम हिम्मती क्यों कि आप क्लास फोर्थ पोस्ट के लिए प्रोटेस्ट करें और कहें कि हमको भी इलिजिबल कर दीजिए? बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि आप कवर नहीं करते हैं ये चीजें। देखिए, ये हमारा जेन्युइन प्रोटेस्ट है, मैं उसे जेन्युइन समझता नहीं, मेरी अपनी एक आइडियोलॉजी है, मैं अपना पॉइंट खुल के बोलता हूं। सोचो तो ऊपर का सोचो, अगर हमारे इन प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने वाले लोग छोटी चीजें सोचेंगे तो फिर हमारे बड़ी लेवल का क्या होगा, कहां से आएगी ये बड़ी लेवल? मैं तो सिंपली ये कहूंगा, यू शुड एस्पायर फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट, यू शुड एस्पायर फॉर द वाइस चांसलर पोस्ट लेटर ऑन। जब आप कहीं पे बड़ी लेवल पे सोचेंगे, आप ये समझ लीजिए कि यहां पे आपका वेटनरी साइंस है, कोई बीबीएससी कर रहा है, फिर एमबीएससी कर रहा है, ये जरूरी नहीं है कि उसको फिर सरकारी जॉब ही मिले, बल्कि ऐसा रहे कि वो अपनी डिग्री की कहीं पे वैल्यू खत्म ना करे। आप ये अंदाजा लगाइए कि जो फैकल्टी मेंबर आपको यहां पे पढ़ाता है, किसी के पास आपने बीएससी किया, एमएससी किया या पीएचडी किया, कल को अगर वही प्रोफेसर आपको कहीं पे क्लास फोर्थ की नौकरी करते हुए देखेगा, क्या वो खुश होगा? आप मुझे बताइए, क्या उनके लिए फख्र होगा? नहीं होगा। तो इसलिए एतमाद अपने आप में लाइए। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप में पोटेंशियल बहुत है, लेकिन आप अपने टैलेंट को समझ नहीं पाते हैं, आप अपने टैलेंट को पहचान नहीं पाते हैं। There is lot of scope in horticulture, there is lot of scope in agriculture, even in veterinary sciences, in forestry. यहां प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं फॉरेस्ट्री के, डॉक्टर नसीम साहब, आप मुझे ये बताइए कि हमारे पास क्या नहीं है कुदरत का? अगर मैं यहां पे आता हूं, जो मैं इर्द गिर्द कवर देखता हूं, ग्रीन कवर, उसी से तो मैं मायल हो जाता हूं इस यूनिवर्सिटी की तरफ। तो आप स्टूडेंट्स को आज इसे, कितने लोग हैं हाथ ना है, कितने हैं फॉरेस्ट्री के, है कोई? देखिए वहां वहां का पूरा एरिया जो है, देखिए ये फखर की बात है कि आप ही के फैकल्टी या आप ही के शोबे से एक लड़की यहां पे है जिनको आज यहां पे एज गेस्ट लाया गया, ये फखर की बात है। शिव के फॉयल है, अगर वो भी प्रोटेस्ट करती कि जो छोटा टेक्निकल कोर्स है पीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए, ये जो हॉर्टिकल्चर कोई टेक्नीशियन या कुछ ऐसा कोर्स था, मुझे याद नहीं है, बीएचटी, अगर इन्होंने प्रोटेस्ट किया होता बीएचटी, तो इनके पार नहीं लगे होती है, आज ये फ्लाई नहीं करती। तो सोचो तो बड़ा सोचो, जहां आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, जहां यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। मैं ये उम्मीद करूंगा कि आज के बाद आपका जहन क्लियर होना चाहिए। न जाने कितने लोग यहां पे होंगे, ये वेट कर रहे होंगे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से पोस्ट्स निकलेंगे, हमने बीएससी किया हुआ है, हम इलिजिबल होंगे, हम कल अप्लाई करेंगे, होंगे कि नहीं होंगे? सच बताइए, बी ऑनेस्ट। इट इज ट्रू दैट देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, वेरी करती है सिचुएशन टू सिचुएशन, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है अपने आप को आप डिग्रेड करेंगे, कोशिश करनी है अपग्रेड करने की। देखिए, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, हमें अच्छे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिनका विजन क्लियर हो, जो अपने आप को आसमान पे सोचते होंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। गरीबी अमीरी ये मैटर नहीं करती, मैं सिंपली ये कहूंगा। बहुत सारे लोग यहां पे होंगे जो बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से आए होंगे, लेकिन आप एक यूनिवर्सिटी में आए हैं, आप एक प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में आए, सबसे पहले तो आप लकी हैं कि आप यूनिवर्सिटी में आए हैं बैचलर्स के लिए, कॉलेज में जाना पड़ता है ना। कॉन्फिडेंस तो यही है, जब आप जाते हैं, कोई आपको कहता है कहां पढ़ते हैं आप कहते हैं सुकास्ट में, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये एक बड़ा टैग है आपके पास, इस टैग की वजह से आपको कॉन्फिडेंस मिलनी चाहिए। नंबर टू, यहां पे रिसर्च में बहुत ज्यादा स्कोप इसलिए है क्योंकि इसकी यूनिवर्सिटी की जो एम्बियंस है, ये इंसान को मजबूर कर देती है कुछ अच्छा करने के लिए।
मेरे जैसे आदमी को ये मजबूर करती है यहां आने के लिए और आपके साथ बात करने के लिए। मैं अक्सर जगहों पे नहीं जाता हूं, लेकिन जब मुझे स्कॉस्ट की तरफ से लोग बुलाते हैं, मैं सबसे पहले इनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। पता नहीं मुझे क्यों प्यार है इस यूनिवर्सिटी से, और मुझे यह भी लगता है कि यहां पे सारे जो है ये प्रोफेशनल्स हैं, ये प्रोफेशनल डिग्री हासिल करते हैं। अब आते हैं, यह हो गया कि एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि आप एक प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हैं, आप बड़े ओहदे के लिए आपको जाना होगा, मंजिल आपकी बहुत दूर है, लेकिन उसको उधर आपको पहुंचना जरूर है। जिस तरीके से मैंने कहा कि आपको छोटा जो है सोचने से बाहर निकालने के लिए मैं यहां पे आया हूं और आपसे बात करता हूं, क्या आपको क्लियर हो गई मेरी बात? आप मुझे यह बताइए, क्या थोड़ा सा जहन हो गया? नहीं जी, हम इसके लिए नहीं बने हैं कि हम कल एसएसबी में छोटे से पोस्ट के लिए अप्लाई करें। क्या क्लियर है? नहीं है? क्या आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताइए। देखिए, अगर आप करते हैं उसका मतलब है कि आपकी क्लैरिटी नहीं है, आप बाय डिफॉल्ट या मैं कह रहा हूं कि मजबूरी से यहां पे आए हैं। जब आप यहां पे आए हैं तो यहां की फैकल्टी का फायदा ले लीजिए, यहां के हालात का फायदा ले लीजिए, यहां की फैसिलिटीज का फायदा ले लीजिए और अपने ही शोबे में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। यह क्लियर हो। अब आते हैं हम रिसर्च पे। यहां पे बहुत सारे लोग पीएचडी कर रहे हैं। देखिए, जितना जम्मू कश्मीर में स्कोप है उतना शायद चाइना में नहीं है, उतना शायद अमेरिका में नहीं है, क्योंकि वो बहुत कुछ कर चुके हैं। हमें बहुत कुछ करना है, स्कोप बहुत ज्यादा है, कमी लोगों की है, कमी एक्सपर्टीज की है, कमी सोच की है, कमी जैसे अभी मैं प्रोफेसर साहिबान से बात कर रहा था, क्या कहते हैं, जरूरत इजाद की मां है। वो क्या होता है, जरूरत इजाद की मां है? व्हाट्स दैट? कोई मुझे बता सकता है जरूरत इजाद की मां क्या हो गया? एक एक खड़ा होकर बताइए, कोई क्लैरिटी के साथ बता सकता है? जब किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो इंसान उस चीज को इजाद करने की कोशिश करता है और वो चीज इजाद हो जाती है। लेकिन यहां मुझे कमी जरूर लगती है कि हम वो चीज इजाद नहीं कर पाते हैं, या तो हमारी क्लैरिटी नहीं है, या हमारा विजन क्लियर नहीं है, या हमें उस तरीके से ग्रूम नहीं किया गया और वो लाइन नहीं दी गई, उस लाइन को देने की जरूरत है। आज भी अगर हमें HD जो हाई डेफिनेशन, ये जो हाई डेंसिटी वाले प्लांट्स जो है ना, अगर रूट स्टॉक बाहर से लाना पड़े और हम आउट ऑफ बॉक्स ना सोचे, तो उसका मतलब है कि हमने वो चीज अभी भी नहीं की है जो हमें करना चाहिए था, इतनी यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी। तो उसमें फैकल्टी का फॉल्ट नहीं है, फैकल्टी स्टूडेंट्स का है जो रिसर्च करते हैं, उनको सोचना होगा। जो फैकल्टी ने करना था वो उन्होंने कर दिया अपने अपने वक्त पे, लेकिन अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है कि आप आउट ऑफ बॉक्स सोचे, कुछ नया करके दिखाए, कुछ इजाद करके दिखाए। मुझे बहुत दुख होता है जब आज भी यहां के प्रोजेक्ट्स में JCB दिखाया जाता है और सिरिंज के जरिए उसको लिफ्ट किया जाता है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। मुझे आज भी दुख होता है कि हम क्लाइंबर्स पे हैं। आज लाइट्स पता है कैसे ठीक करते हैं, स्ट्रीट लाइट्स, वो मशीन जाती है और उसमें एक टोकरी जैसी होती है, वो बिल्कुल कंफर्टेबली उसको ठीक करता है। आज भी हम क्लाइंबर्स पे चले जाते हैं। तो वो चीज हमारा विजन नहीं होना चाहिए कि हम आज वो चीज सोचे जो ऑलरेडी हो चुका है, उसी को हम, मैं ये कहूंगा कि पैवंद करके आगे आगे बढ़े, बल्कि आप लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप आउट ऑफ बॉक्स सोचे, अपने जहन को थोड़ा सा वाइड बना लीजिए। अमेरिका में क्या हो रहा है यू शुड नो, इट्स नॉट कि सिर्फ आपको यहां के बारे में, किताबों के बारे में पता चलना चाहिए। यू शुड बी अवेयर अबाउट द वर्ल्ड, यू शुड बी अवेयर अबाउट द चैलेंजेस, यू शुड बी अवेयर अबाउट एवरीथिंग कि क्या जरूरत हो सकती है। एक विजन इंसान का होना चाहिए, वो कोई पेशेंट वही करता है ना, फोरकास्ट, फोरकास्ट की तरह एक जहन होना चाहिए कि यार आज मैं ये कर रहा हूं, कल क्या जरूरत पड़ने वाला है। जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो उसी लाइन पे चलते हैं। जो हम डेवलपिंग कंट्रीज या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, हम ये सोचते हैं और ये बिकम लाइक दैट कि वो बनाएगा, मैं उसका एंड यूजर बनूंगा, मैं हर चीज बताऊंगा, ये बाहर से ही आया है, ये बाहर से ही आया है, ये जो टीक इसके ऊपर लगा है ये भी बाहर से आया है, मुझे उम्मीद है कि ये जो टिम्बर इस पे लगा है ये भी बाहर से आया है,
ये कारपेट बाहर से आया, ये मोबाइल फोन बाहर से, ट्राइपॉड बाहर से आया, ये जो बैनर का मटेरियल है बाहर से आया, स्क्रीन एलईडी एवरीथिंग, वी आर द एंड यूजर्स, व्हाट्स योर कंट्रीब्यूशन टू यूज इट, आवर कंट्रीब्यूशन इज टू यूज इट, बट वी शुड बी एबल टू गिव समथिंग. हम एप्पल दे रहे हैं ना बाहर, ये तो कुदरत का कमाल है, उसमें हमारा उतनी कारीगरी नहीं है, कुदरत की कारीगरी है कि हमें एप्पल ग्रो हो रहे हैं, हम वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर भेजते हैं. कोई भी चीज नेचुरली जो ग्रो होता है, बीट फॉरेस्ट, चाहे वो देवदार है, कायुरचु, बुदुलचु, जो भी है, वो तो कुदरत की देन है ना. पोल्ट्री भी हम बाहर से लाते हैं. तो ऐसे में तीन चीजों पे मैं फोकस करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ पे एस्टीम्ड गेस्ट्स भी हैं और फैकल्टी मेंबर्स भी हैं, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो फाइन ब्रेन्स हैं उनको जरूर लाया जाए, खासतौर से जो डेवलप्ड नेशंस हैं, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस जो होगा वो यहां मेरे जैसा आदमी क्रिएट नहीं कर सकता है. क्योंकि जब मैंने खुद कुछ किया नहीं तो मैं दूसरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट कैसे कर सकता हूं. जब मैंने खुद ऐसी चीज तैयार नहीं की तो मैं दूसरे को कैसे कह सकता हूं कि आप तैयार कीजिए. अब फर्क यह है कि आप प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हैं, इसलिए मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं, लेकिन उसके लिए आपको तैयार रहना होगा. और जो हमारे यहां पे पीपल आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, इट्स देयर ड्यूटी आल्सो टू शो यू द पाथ, राइट पाथ. जब तक आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगी आपका दिमाग उस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, बिकॉज वी आर बाउंड, हमने सोचा ही नहीं है आउट ऑफ बॉक्स. अभी मैं इनको दो मिसालें दे रहा था, मैं आपको भी कहना चाहूंगा. मेरे घर में जरूरत, अभी क्या बोला था मैंने, जरूरत इजाद की मां है. मैं छोटी सी लेवल पे अभी इनसे बात कर रहा था कि प्लिंथ मैंने घर में दिया था, प्लिंथ यू नो ना, आरसीसी का जो होता है कंस्ट्रक्शन, यद कुन चुमा आ, तो उसमें दो है आप दू, इसमें काफी एफर्ट लगता था. अब मैंने सोचा क्या कर सकते हैं, जो आपका यहां पर नॉर्मली वो ड्रिप इरिगेशन है ऑलरेडी, मैंने सोचा क्या कर सकते हैं. मेरे घर में पाइप्स थी प्लास्टिक की जो होती है ना, आधी इंच की या पौने इंच की, मैंने वो लाइन छोटे छोटे सुराख ड्रिलर से कर दिए, उधर से टैंकी से पानी लगाया, जब मन चाह, जब उसको गीला करना होता था, वेट करना होता था, मैं वो ऑन करता था और पाइप्स के जरिए ऑटोमेटिकली पानी उधर जाता था उसमें, तो ह्यूमन एफर्ट कम लग गया. छोटी सी एक कोशिश, मैं कोई साइंटिस्ट तो नहीं हूं, मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूं, मैं कोई चीज बना तो नहीं रहा हूं, लेकिन छोटी सी एक कोशिश से ये हो गया, आई मेड इट, जरूरत थी इजाद हो गया. आप समझ रहे हैं, आई डोंट क्लेम एनी काइंड ऑफ पेटेंट फॉर दैट, जस्ट आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए. जब आप सोचेंगे ये तो चूंट को जिस पूछू आप पूछू पूर, आप एप्पल ट्री से बातें करो, इट्स योर जॉब, इट्स नॉट माई जॉब, बिकॉज यू आर इन हॉर्टिकल्चर सेक्टर, आई एम नॉट एग्रीकल्चर वाला दाइनी को सिट करियो कथ. जब तक आप इंट्रैक्ट नहीं करेंगे, इट्स नॉट डेड, इट्स अलाइव. अगर ये डेड होता तो फिर राइस नहीं आता. आज से चिकात कर रही मुझे प्रश्न, चिकित कम खोतो, चिका पर खोतो, कोई तो अच्छा टाइम आता है स्टूडेंट यूज दाइनी को लिस गॉट ए पैटर्न योर दाइन जो चाह. कितने लोगों ने आप में से कैमरा लगाए और देखा कि किस तरीके से रियली ये ग्रो हो जाता है. कितने लोगों ने लैब में इसको लाया और बहुत क्लोजली देखा काफी जिस स्टेजेस पर चौथ बैक्टीरिया या कहां अटैक करा. अब मेरी बात, या तो दो चीजें हो सकती है, या मैं गलत सोच रहा हूं, या मेरे सोचने का तरीका गलत हो सकता है, या मेरी नॉलेज की कमी हो सकती है, या आज तो ग्रीस पर सोचा समझी जो प्रोफेशनली आज तो भी टेक्निकली साउंड की, या तो चूज बगल नक्शन में ये यूनिवर्सिटी में जो चीज नियरन की यूज बाय एक्सपेक्ट चूज कर. दो ही चीजें हो सकती है, या तो मेरी सोचने का तरीका गलत है जो मैं सोचता हूं इस यूनिवर्सिटी के लिए, या यहां से वो चीज नहीं आती है जो सोसाइटी के लिए आनी चाहिए जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं. वो कैसे आएगी जब आप क्लास फोर्थ पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करेंगे प्रोफेशनल्स, जब आपने ये जहन में जिस दिन बना दिया कि हमें लोअर पोस्ट के लिए छोटी सी नौकरी के लिए अप्लाई करना है, उसका मतलब आप अपनी डिग्री को डिग्रेड कर रहे हैं. वो मैं नहीं चाहता, आई डोंट वॉन्ट दैट, आई वॉन्ट यू टू फ्लाई एंड फ्लाई हाई. दुनिया में क्या हो रहा है उस चीज के लिए आपको किसी भी सूरत में अपडेटेड रहना होगा.
जेसीबी मुझे नहीं चाहिए आज 30 साल के बाद जो 30 साल पहले बना है, आज मुझे जेसीबी का मॉडल यहां पे डिस्प्ले हो रहा है हायर सेकेंडरीज में कॉलेजेस में, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? आज मैं ये कह रहा हूं कि कंपोस्ट जो है वर्मी कंपोस्ट बेटर है, फिर हमने 20 साल क्या किया? फिर लोगों को धोखा दे दिया, फिर हमने जो किसान है उनको गलत तरीके से समझाया, अब हम ठीक है या वो ठीक है? हमारा विजन क्लियर होना चाहिए। ये जो टाइम बहुत कम है, अब हम इलाबोरेटेड तरीके से मैं कहना चाहूंगा, मैंने एक चीजें दो तीन चीजें नोट की थी, टाइम बहुत कम है,